और अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। आजादी के 75 साल पूरा होने पर हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इस माहौल में महंगाई को मुद्दा बना रहा है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का ऐसा जादू चला है कि बाजारों में झंडों की किल्लत हो गई है, और किल्लत हुई तो इसकी कीमत बढ़नी भी थी। दिल्ली के सदर बाजार में तिरंगा अभियान पर महंगाई की छाप कैसे दिखी, जी मीडिया ने इसकी पड़ताल की है, आप भी देखिए। आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव चल रहा है। केंद्र सरकार के आह्वान पर इस बार हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। इसकी वजह से अचानक तिरंगे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यह है दिल्ली का सदर बाजार। यहाँ झंडे और बैनर्स का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इस बार 15 अगस्त से पहले डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुकानदार सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, तिरंगे के दाम भी बढ़ गए हैं। जो झंडा हम बेचते थे 15 रुपए का, वो आज 25 रुपए में भी माल नहीं है। हाँ जी, और ये समझ लो आप कि जो झंडा एक जैसे इसमें अलग अलग साइजे होते हैं, तो जो झंडा हम 30-32 रुपए का बेचते हैं, वो आज 50-60 रुपए में माल नहीं है। ये समझ लीजिए आप आज की डेट में, मतलब हमारे पास तो जैसे आप देख लो इतने सारे आदमी खड़े हुए हैं यहाँ, सबका कोई ना कोई ऑर्डर है, पर हर एक आदमी को जैसे जिसका 10,000 है उसको 5,000 दे रहे हैं। झंडों की दुकानों पर छोटे दुकानदारों के अलावा सरकारी कर्मचारी, पार्टी के कार्यकर्ता सभी दुकानों पर पैसे लेकर खड़े हैं, लेकिन उन्हें तिरंगा नहीं मिल पा रहा है। हमने 5,000 झंडे वितरण करने का निर्णय लिया था, जिसमें कि अभी हमारे को 1,000 ही झंडे मिले हैं, और झंडे की इतनी शॉर्टेज है कि झंडे मिल ही नहीं रहे हैं। अभी मैं इनके पास आया हूँ, मैंने 2,000 झंडों का ऑर्डर और दिया है, जिसमें से मेरे को सिर्फ 300 झंडे ही मिल रहे हैं, बाकी मेरे को परसों देंगे ये। अच्छा, हमारे ऑफिस में भी जिस प्रकार से भारत का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे ऑफिस में भी इसकी सब तैयारियां की जा रही हैं, और 4 दिनों का एक प्रोग्राम रखा गया है। तो हमारे ऑफिस में भी सब जगह झंडे लगाने का प्रोग्राम है, और टेबल पर भी एक जो झंडे तिरंगा झंडा है, हर एम्प्लॉई की टेबल पर भी एक प्रोविज़न किया गया। प्लस हमारे ऑफिस को सुंदरता सजाने के लिए भी तिरंगे से रिलेटेड और भी आइटम जो हैं हमारे ऑफिस से बोले गई हैं। तो मैं आज यहाँ पर देखने आया हूँ, जिस प्रकार कुछ अगर कुछ आइटम मिलते हैं तो डेफिनेटली हम अपने ऑफिस को सजाने के लिए तिरंगे से रिलेटेड चीजें परचेज करें। झंडे के लिए जिस डंडे की जरूरत पड़ती है वो भी नहीं मिल पा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि झंडे गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और मथुरा से आते हैं, लेकिन इस बार यही से माल नहीं आ रहा। हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हर घर झंडा लगे, जिसके तहत झंडे की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त मैं हूँ सदर बाजार के सबसे बड़े झंडे की दुकान पर। होलसेल का ये यहाँ पर कारोबार होता है, और यहाँ पर आप लगातार जो झंडे की डिमांड है इतनी बढ़ गई है कि पूरी सप्लाई नहीं की जा रही है। इनका कहना है कि ज़्यादातर जो झंडे हैं वो सूरत, अहमदाबाद, मथुरा से आते हैं, लेकिन चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये लोग उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे। दुकानदारों का कहना है कि तिरंगे झंडे के कारोबार में इतना इजाफा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।